हेलो फ्रेंड। हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? उम्मीदें कर रहे से होंगे। फ्रेंड, आज हम रिएक्शन करने वाले हैं विनाश मूवी के पार्ट 3 पर। तो चलिए ज़्यादा वेटिंग करते हैं, पहले वीडियो को देख लेते हैं, उसके बाद जो है अपने रिव्यू शेयर करेंगे। लो स्टार्ट। स्टार्ट। आइए आइए बैठिए। आप लोगों की शिकायत पर मैंने लंकेश्वर के खिलाफ एक इंक्वायरी कमीशन बिठाई थी। उनके रिपोर्ट के मुताबिक लंकेश्वर अपनी जेल में कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहा। ये रही वो रिपोर्ट, पढ़ लीजिए सर। सर मैं जानता हूँ, इसमें वही लिखा है जो इंक्वायरी कमीशन ने सुना होगा, लेकिन जो मैंने देखा है दरअसल वही सच है सर। सर मेरी बात का यकीन मानिए, लंकेश्वर ने उस जेल में अपनी नाजायज ताकत की जबरदस्त धाक जमा कर रखी है। अजगर जैसे खतरनाक मुजरिम जिसको फांसी की सजा सुनाई गई है, लंकेश्वर उन्हें जेल से बाहर भेजकर बड़े बड़े जुर्म करवाता है, और यह सब कुछ मालूम होने के बाद भी लंकेश्वर के खिलाफ कोई कुछ नहीं बोलता, और इसीलिए इंक्वायरी कमीशन को वहां से सही इंफॉर्मेशन मिलना मुश्किल है सर। सर, ACP अग्निहोत्री हमारे डिपार्टमेंट के जिम्मेदार ऑफिसर हैं और मुझे इन पर पूरा विश्वास है। ये रिपोर्ट बेबुनियाद हो सकती है सर, लेकिन इनका यकीन कभी बेबुनियाद नहीं हो सकता। सर, पुलिस कमिश्नर की हैसियत से मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर सत्य प्रकाश का कातिल हमारे हाथ लग जाए तो लंकेश्वर की असलियत को सामने लाने में हमें जरा भी वक्त नहीं लगेगा। अगर ऐसा है तो आप लोगों को मेरी तरफ से पूरी आज़ादी है। ये तो अच्छे हैं। जैसे भी हो सके आप इस केस को सुलझाइए, जो करेंगे सोच समझ कर कीजिएगा। सर सर, क्यों ना हम किसी दूसरे जोन के पुलिस ऑफिसर को यहाँ बुलाएं, जाहिर है यहाँ उसे कोई नहीं पहचानेगा। हम उसे कैदी बनाकर लंकेश्वर की जेल में भेज देते हैं, वो हमें वहाँ की सारी इन्फॉर्मेशन देगा। सर मौका मिलते ही हम उसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लेंगे। मैं आपकी बातों से सहमत नहीं हूँ। मिस्टर अग्निहोत्री की बातों से ये पता चलता है कि लंकेश्वर की जेल में जाना हमारे अफसर के लिए मौत के मुंह में जाने के बराबर होगा। सर दरअसल इस काम के लिए हमें एक ऐसा बहादुर ऑफिसर चाहिए जो सर पर कफन बांधकर और जान हथेली पर लेकर निकलता है। मैं ऐसे ही एक अफसर को जानता हूँ। काम कितना ही मुश्किल और खतरनाक क्यों ना हो, वो हर चैलेंज को एक्सेप्ट करता है। डलहौजी का रहने वाला है, नाम है अर्जुन सिंह। इस काम के लिए आपने सही आदमी चुना है सर। आप जानते हैं उसे? यस सर, मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ। पुलिस अकेडमी में उसकी ट्रेनिंग मेरे अंडर में हुई थी, उसकी लगन और बहादुरी से मैं काफ़ी इंप्रेस हुआ था। मेरा फेवरेट स्टूडेंट था सर। इस काम के लिए अर्जुन सिंह बिल्कुल परफेक्ट है सर। फिर देर किस बात की, जितनी जल्दी हो सके बुलाइए उसे। चलिए 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 हटिए, ये क्या तमाशा है? तमाशा से ज्यादा आप लोगों को रेस्ट की जरूरत है। चलिए हटिए। कमाल कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, वो लड़की आप पे जान दे रही है और आपको परवाह ही नहीं है। अरे अगर इनको परवाह होती ना तो मेरे गले में रस्सी नहीं होती, वरमाला होती वरमाला। चलो मूव इट, कम ऑन। रुक जाओ। अरे समझाओ इसको, जो ब्यूटी को छोड़ के ब्यूटी के पीछे भागता है। तुम इनको क्या बोल रही हो? जो कुछ भी बोलना है नीचे आके मुझसे बोलो। मैं यही चाहती हूँ कि आज तुम दुनिया के सामने इकरार कर लो कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। हमारी सगाई की तारीख, शादी की तारीख, हमारी हनीमून की जगह, ये सब बताना होगा आज और अभी। देखो काजल, सीधी तरह नीचे आ जाओ। मेरी शर्तें मान लो तो मेरी चाहती हूँ, वरना मैं ऊपर जा रही हूँ। आप लोग अपना वक्त मत बर्बाद कीजिए, चलिए 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 चलिए। अरे रुक जाओ भाइयों, अर्जुन मैं 3 तक गिनूंगी। ऑपरेशन के लिए तैयार हो जाओ। डॉक्टर साहब उसका ब्लड ग्रुप तो पूछ लो। अभी मेरी मानो Thank you.
ऐसे आदमी के लिए उस बेचारी ने बेकार में अपनी जान दे दी। अरे छोड़ यार, ये सब पुलिस वाले होते ही ऐसे हैं। आखिरी बात कह रहा हूँ तुमसे, मुझे इस तरह का मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। ओके, अगर मैं हकीकत में अपनी जान दे देती तो क्या? सभी को तो एक दिन मरना है। यानी कि अगर मैं तुम्हारे प्यार में जान दे देती तो तुम्हें बिल्कुल दुख नहीं होता? लोगों ने सच ही कहा है। क्या सच कहा है? छोड़ो, जाने दो, तुम्हें दुख होगा। किस बात का? यही के लोग कहते हैं कि जो पहलवान होते हैं ना, वो जाने दो, छोड़। क्या हुआ पहलवानों को? वो पहलवान होते हैं ना, वो प्यार में थोड़ा यही के जो पहलवान लोग होते हैं ना, वो प्यार में थोड़ा कम होते हैं। ये पढ़ाई हो रही है आपकी? और तुम अर्जुन, ये ड्यूटी कर रहे हो तुम? सर, वो काजल ने कहा था कि उसे कॉलेज से हॉस्टल छोड़ दिया, इसलिए सर। हाँ, मैंने कब कहा था? तुम ही तो आए थे मुझे कॉलेज से ले जाने के लिए। शट अप। अरे नाम, हॉस्टल ले जाओ। ये सर, मैं चलता हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? तुम मेरे साथ चलो, कम विथ मी। बहुत गुस्से में थे ना अंकल? बहुत गुस्से में थे, बहुत। अब क्या होगा? मारा जाएगा अर्जुन। अरे कुसूर भी तो वैसा है, अपनी सीनियर की बेटी को लेके घूमने जाता है ऑन ड्यूटी, वर्दी पहन कर। नॉनसेंस। लेकिन कुसूर सिर्फ उसका ही थोड़ी ना था, कुसूर मेरा भी तो था। मैं डैडी को समझाऊंगी। शायद तुम्हारी बात तुम्हारे डैडी मान जाएंगे, लेकिन डिमोशन इज कंफर्म। डिमोशन इज कंफर्म। डिमोशन? इंस्पेक्टर से हवलदार बनेगा और फिर हम जैसे सीनियर्स को सलाम करेगा। हवलदार अर्जुन सिंह रिपोर्टिंग सर। आउट, आउट। फिर क्या, इस गम में शराब पीना शुरू कर देगा, पड़ा रहेगा कहीं भी शराब पीकर। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं डैडी से बात करूंगी, उन्हें समझाऊंगी। अरे अब तो हो चुका होगा, गया बेचारा अर्जुन, गया। सर, मुझे खुशी है कि आपने मुझे इस मिशन के लिए चुना है। मिशन की कामयाबी के लिए मैं अपनी जान लगा दूंगा सर। मैं जानता हूं, तुम चलने की तैयारी करो। यस सर। मैं तुम्हारे डैडी से मिलना चाहूंगा। क्यों नहीं सर? लेकिन क्यों सर? नहीं नहीं नहीं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि मेरी बेटी उनके घर डोली में बैठकर आएगी या पुलिस जीप में। मुझे खुशी है कि मैंने इस मिशन के लिए एक काबिल ऑफिसर को चुना है, और मेरी बेटी ने भी अपने जीवन साथी के लिए एक अच्छे इंसान को चुना है। मैं तुम्हारे डैडी से शादी की बात पक्की करना चाहता हूँ। डैडी से शादी सर? काजल से तुम्हारी शादी पक्की करने के लिए तुम्हारे डैडी से बात करना चाहता हूँ। किसका प्रेम पत्र पढ़ा जा रहा है खान? प्रेम पत्र नहीं दोस्त, ये ट्रांसफर पत्र है। मेरा ट्रांसफर हो रहा है दूसरे शहर। निराश क्यों हो रहे हो? ये ट्रांसफर दोस्तों को अलग कर सकता है, लेकिन हमारी दोस्ती कम नहीं कर सकता। तुम जब भी दिल से याद करोगे खान हाजिर। हुँ?
सलाम चाचा जान। अरे आओ खान बेटे, बहुत सही वक्त पे आए। क्या सही वक्त पर आए पिताजी? खान मियां तो हमें छोड़कर जा रहे हैं। क्यों, कहाँ जा रहा है? ट्रांसफर करवा लिया अपना दूसरे शहर में। क्यों भाई, क्या सुन रहा हूँ मैं? चाचा जान, ट्रांसफर करवाया नहीं, ट्रांसफर हो गया। अब अल्लाह ने जहाँ का दाना पानी किस्मत में लिखा है, आदमी वहीं जाएगा ना भाई। बिल्कुल सही कहा तुमने, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, इस पे भी शायद तुम्हारा नाम लिखा है। लुखाओ अजी। बहुत लजीज है। अच्छे हैं। अरे भाई अच्छे क्यों नहीं होंगे, बहू ने बनाए हैं। नमस्ते भाई। नमस्ते। अरे आप आ गए पिताजी, वो क्या आप? हम लोग बाहर चलते हैं। नहीं नहीं पिताजी, वो मैं और ये। अच्छा, इसे बाहर ले जाना चाहते हो? अरे नहीं पिताजी, इसे बाहर निकालना चाहता हूँ। कभी तुम्हें इस बात का ख्याल आया कि घर में बहू चाहिए, तुम्हारी बहन को भाभी चाहिए? पिताजी पिताजी, ये काजल तो। हाँ हाँ काजल, इसने सोचा, हमारी चिंता की, इसने हमारे घर आई, हमारी सेवा की। पिताजी आप जानते नहीं है काजल को? सब जानता हूँ मैं, खाना अच्छा बनाती है, दोपहर को बहुत बढ़िया खाना खिलाया इसने, और अब देखो ना पकौड़िया कितनी अच्छी बनाई। क्यों बेटे, हमेशा ऐसा ही खाना खिलाओगी ना? हाँ पिताजी, सिर्फ सोमवार को छोड़ के। क्यों भाई, सोमवार को होटल बंद रहता है? होटल वाले पकौड़े काजल, आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। तुम्हारे कदम घर में क्या पड़े, घर में रौनक आ गई। परसों बाद अंजू को मुस्कुराते हुए देखा और फिर पिताजी भी बहुत खुश है। मैं भी बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छा लगा। काफी देर हो गई, चलो मैं तुम्हें हॉस्टल छोड़ाता हूँ। मैं सोच रही हूँ मैं यहीं रुक जाऊँ, वैसे भी तुम्हारी बात तो डैडी से हो गई है। बात तो हो गई, लेकिन हॉस्टल जाओगी तब डोली में बैठकर आओगी ना? कब? कुछ दिनों के लिए मुंबई जा रहा हूँ, लौटते ही बारात लेकर आऊंगा। प्रॉमिस। प्रॉमिस। बहुत ही बेहतरीन सीन था, और कमिश्नर साहब ने जो है प्लानिंग जो है बहुत अच्छी बनाई, क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि जो रिपोर्ट आई है वो सही नहीं आई है, और इसके जांच के लिए जो है किसी ऑफिसर को जो है कैदी बना के भेजना चाहिए। और ये जो है नेता थे उन्हें भी बहुत समझ में आ गया, जो मंत्री थे उन्हें भी ये आइडिया समझ में आ गया, और उन्होंने जो भी परमिशन दे दी है। और एसपी साहब भी बहुत खुश हो गए, क्योंकि उन्हीं के टेंट की वजह इंस्पेक्टर को जो है कैदी बना के भेजा जा रहा है। और उधर जो है रवीना टंडन कितना ड्रामा कर रही होती है, बिल्डिंग से कूदने की कैसे एक्टिंग कर रही होती है, लेकिन सटी भी जो है बड़ी समझदारी से क्या करेंगी, उनका भी ड्रामा पता होता है, तो वो जो है जाते जा रहे होते हैं, लेकिन वो बार बार सबको रोक रही होती है कि नहीं है सब रुको, हमारी देखो हम सुसाइड करने जा रहे हैं, लेकिन जो है वो जंप कर देती है, हमें पता चल जाता है बाद में जब पिस्टन से वो करते तब जाकर वो नीचे आती है, खैर वो नीचे नहीं गिरती है, उन्हें जो है सटी कैच कर लेते हैं। और जब एसपी साहब जो है रवीना टंडन और सटी को एक साथ देख लेते हैं, तो वो जो ड्राइवर होते हैं वो कहते हैं जो है रवीना को उनके डिमोशन की कहानी सुना रहे होते हैं कि अब तो ये हो चुका होगा, अब तो वो हो चुका होगा, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, ऐसे डिमोट कर देंगे, वो सोच सोच के कितना परेशान हो जाएंगे। अब और उधर जो है खान का भी ट्रांसफर हो जाता है, और खान जब उनके घर जाते हैं तो रवीना टंडन बहू के रूप में कितना बेहतरीन खाना खिला रही होती है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो तो होटल के पका के खिला रही है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये सीन बहुत अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और इसी तरह का और वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। तो मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।